तोपखाना वालों क्षेत्र यहाँ बनी थकी है बाबा मदार साहब की दरगाह। दरगाह के साथ बने एक स्कूल गंज दुकाना भी है। दुकाना है तो दुकान को किराया भी है, किराए तो किराया वसूलने वाला भी है, मने गुड़ है तो मक्खी उन भी है। अब सुनो माजरो कहिए, 2021 तक रियाज खान साहब वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ की कमेटी वाला अध्यक्ष था। मक्खी जरूरत से ज़्यादा गुड़ खाएगी, शिकायत हुई तो उड़ाई दी। इसका बाद अध्यक्ष जी कुर्सी पर आई गया फैजान खान जी। थोड़ा दिन पहला इन्हें खराकवाड़ा थाना के मार शिकायत करी कि 4 साल हो गया मदारसा की दरगाह वाली जितनी भी दुकान सगला पे पहला वाला अध्यक्ष मने रियाज खानज किराया वसूल करी रहा है, जबकि वे अध्यक्ष भी नहीं है। किरायो वसूलियो भी सही ने विके जमा भी नहीं करायो। 2 दिन पहला आनी मामला में खराकवा वाली पुलिस ने रियाज खान का खिलाफ रिपोर्ट लिखी ली। आनी बीच भी नरी बार कोर्ट गया, जितनी बार कोर्ट गया वे इनकी अपीला उन खारिज हुईगी। 1 दिन पहला पाछा कोर्ट गया था, पाछी अपील खारिज कराई आया। इतनी अपीला खारिज हुईगी कि रियाज खान साहब अब रियाज खान कम न खारिज खान का नाम से ज़्यादा फेमस हो गया। एक बात भी जक नहीं खरिया तो कोई हो क्या अभी भी दुकाना उनको किरायो इनके चाह रहे हो, अब पुलिस आज कहीं करत भलाई। जो इसके पुराने अध्यक्ष थे रियाज खान, उनको हटा दिया था, उनकी कमेटी को भंग कर दिया था, और उसके बाद 2021 में मुझे यहाँ का अध्यक्ष बनाया था। इन लोगों की माफिया और गुंडे आता था ना, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय में कैसे भी किसी भी प्रकार से रोकने का काम ये लोग कर रहे थे। अनेकों याचिकाएं इन्होंने मेरे खिलाफ वहाँ कोर्ट में लगाई, पर अंततः जीत न्याय की हुई और कोर्ट ने सही माना कि आप यहाँ के सही ढंग से अध्यक्ष बने। ये थाना खारकुआ क्षेत्र में स्थित मदार गेट कॉम्प्लेक्स, इसमें दुकानें हैं और अन्य स्थल हैं जो कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष फैजान खान ने एक आवेदन पेश किया था कि इनके पूर्व अध्यक्ष रियाज खान के द्वारा अनधिकृत रूप से डरा धमका कर दुकानों का किराया वसूल किया जा रहा है। क्योंकि रियाज खान को वक्फ बोर्ड के द्वारा पहले ही निष्कासित कर दिया गया था अध्यक्ष पद से, फिर भी वह दुकान वालों से डरा धमका कर किराया वसूल कर रहा था, जिसके संबंध में आवेदन की जाँच के दौरान जो भी दुकान धारक हैं उनके कथन नोट किए गए। इसके बाद जाँच उपरांत थाना खारकुआ पर IPC 384 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। लोकसभा वाला चुनाव की बेला कने आएगी है, सोमवार वोटिंग को दन है, भारत का गौरव को दन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आके अपन सगला मिलीकर कोशिश करी रख चुनाव वोट का अधिकार को उपयोग सगला लोग करी सके। काले कलेक्टर नीरज कुमार सिंह जी ने जिला में जितनी फैक्ट्री उन्हें बड़ी इकाई उन्हें इनका सबका लोग उनके भेला करिया, सगला शपथ दिले चुनाव में खुद तो वोट करांगा सही, जितना कर्मचारी अपना काम करे इनके सगला से वोट डलवाएंगा। आखा उज्जैन अलोट संसदीय क्षेत्र का माए 17,98,704 वोटर होने, इनमें 8,91,395 बेनिया होने जे। कोशिश यह चली रही कि इतना में से कम 80% जना उन तो वोट डालवाने पहुंचे पहुंचे। आने वाले सभी कर्मचारियों से, सभी कर्मचारियों से पदाधिकार का प्रयोग करवाने की अपील करेंगे। लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी जिम्मेदारी दिखाएंगे। चुनाव की बात चली रही लगे हाथ इंदौर वालों भी एक सीन देखी लो। इंदौर में कांग्रेस वालों बम फूस हुआ का बाद आखिर कांग्रेस नोटा तरफ भागी रही है, पर कांग्रेस को जो एक सिपाही ऐसो भी है जो आखिरी दम तक इंदौर से लेकर दिल्ली तक पंजाक मान धरवा खातर लगे हो रहे हो। नाम है मोती सिंह जी पटेल साहब, इंदौर दुख संघ वाला अध्यक्ष जी। शुक्रवार दोपहर दिल्ली के माँ इनके सफलता मिलीजगी, सफलता यह आके इंदौर में चुनाव भले ही हुई जाए पर जो भी चुनाव जीतेगा विक पे कोरट की तरवाल हमेशा लटकी रहेगा। अगला ने और कई नहीं तो 5 साल के लिए परमानेंट नींद तो उड़ाई दी। दिल्ली वाली कोरट का माए शुक्रवार कई हुए इका बारा में आपके मोती सिंह जी पटेल साहब ने इनका वकील साहब बताई रहा है। आज हम सुप्रीम कोर्ट में आए, जिस प्रकार से आप सबको मालूम है कि इंदौर लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से चल रहा है, जैसे ही 29 तारीख के दिन अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया, क्योंकि कांग्रेस का मैं सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट था, हमारा ये प्रयास था कि कांग्रेस की तरफ से मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी माना जाए। हमने उसी को आधार मानकर माननीय निर्वाचन अधिकारी इंदौर में हमने ज्ञापन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ विधि के अनुसार ये क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है और इसीलिए इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को ओपन रखा गया है।
जैसा कहा जाता है इलेक्शन एक समय की रेस है, उस रेस में थोड़ा सा हम लोग को विलंब हो गई है, लेकिन आगे चल के इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ओपन रखा है। शुक्रवार दोपहर अपनाया कर रामघाट आड़ी लपक कर जिंदाबाद मुर्दाबाद हुई। वजह नगर निगम वाला मारा भाईवन, पैसा वाला पटा, गरीब का सड़क से हटाए, ठेला वाला वास्ते उन सरकार लोन दिला, ये ठेला वाला उन पे भी रहम निखाए। दफोर में नदी क्षेत्र में सड़क पे बैठा वाला ठेला वाला सगड़ा का हड़क दिया, एक बात शुरू हुई विरोध। सड़क वाला दुकानदार उनको कहना पड़ी रहो क्या दिन भर में बैठी परिवार खातर 100-200 कमाए, वे भी इनके रास नहीं आए, कोई तो बताए हम कहाँ जाए। दिक्कत आई गया था, साहब चल गया था, दुकान नहीं आती थी, मैं दुकान ना रखती थी, यहाँ से हटा था मेरे को नगर निगम जी, तो यहाँ भी परेशान करिए, मेरे को 7 साल हो गए ना, 7 साल हो गया, 18 में चाय बेची है मैंने यहाँ पे, यहाँ मेरा साल कर जाता नहीं हटाते थे, और अब इतना परेशान करिए क्या, 8 दिन का 8 दिन 15 दिन तक हटाते दुकान। चंद्रवंशी बागरी समाज वाला उनको 12वां साल को सामूहिक विवाह समारोह आखा तीज का दिन नागदा कने का फरनाजिक माय संपन्न हुयो। यहाँ कोई 14 बेटियां उन पढ़नी के ससुराल गई, इनके आशीर्वाद देव वास्ते आखो समाज यहाँ भेलो हुयो थो। ये वीडियो अपने भाई जीवन चंद्रवंशी के जरिए मिलिया है। चलता चलता अब एक निके भगवान परशुराम जी की जयंती वाली धूम भी देखी ला। आखा तीज का दिन भगवान परशुराम जी की जयंती पे आखा ब्राह्मण समाज वाला भाई बहन उनने मिलकर तगड़ो जुलूस निकालियो, आखा शेर में आने जुलूस को जम के स्वागत हुयो, चामुंडा माता वाला चौराहे कने आमेटा ब्राह्मण समाज वाली मंडली ने भी जम के फूल बरसाया। जय परशुराम।